हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश बाबू और स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कल मैं इस वीडियो को अपलोड किया था, लेकिन दोस्तों काफ़ी लोग जो बोले कि ये वीडियो पूरा नहीं है, आधा है, तो उस वीडियो को मैं डिलीट कर दिया और फिर से आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वही वीडियो को। तो दोस्तों पता नहीं कैसे क्या हुआ, कल आधा वीडियो अपलोड हुआ तो मैं आज फिर से अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप भी सीलिंग कूलर के फार्म में बनाना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे सीलिंग फ्लावर के फार्म जो है बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह दोस्तों आप मार्किंग करके सीलिंग फ्लावर के फार्म बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जो सेंटर से आप लोग 480 mm से राउंड करेंगे तो आपका फुल चौड़ाई जो हो जाएगा 960 mm का। उसके बाद दोस्तों छोटा राउंड जो है 265 mm में राउंड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप वो छोटा राउंड जो बन जाएगा 530 mm का। उसके बाद दोस्तों सेंटर से आपको 8 लेयर मार्किंग करना पड़ेगा, जिस तरह आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और दोस्तों वो लेयर जो है सेम सेम में रखना पड़ेगा जिस तरह वीडियो में दिखाई दे रहा है।
मार्किंग करने का टाइम दोस्तों ध्यान से मार्किंग कीजिएगा। अगर आपका मेजरमेंट ठीक से नहीं होगा तो आपका सीलिंग फ्लोर के फार्मे जो है ठीक से नहीं बैठेगा। अगर सीलिंग फ्लोर के फार्मे नहीं बैठेगा तो आपका डिजाइन भी ठीक से नहीं बनेगा। इसीलिए दोस्तों मार्किंग करने का टाइम ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अभी भी आपके मन में कुछ कंफ्यूज है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।